शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आवाज? कैसी आवाज? ओ, आवाज यहां से आई होगी। खिड़की खुली थी ना, तुम्हें हवा से वाज गिर गया है। यहां कोई नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, आप सो जाइए। चल सो जाइए। ठीक है, सो जाइए। आप सो जाइए, आराम कीजिए। ठीक है ठीक है। अरे यार, मुझे थोड़ा वक्त तो दो, मैं रास्ते में हूं, पहुंच रहा हूं, फिर बात करते हैं। देखो, तुमको जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। अरे यार, ये संगीन मामला है और मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। चलो मिलके बात करते हैं। ओके बाय। लाश? आप यहाँ कैसे पहुंच गए? ऐसे ही अचानक? मैं तो अपने दोस्त के घर जाने के लिए गाड़ी निकालने आया था। यहाँ आया तो देखा ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। अपने आसपास किसी को भागते हुए देखा है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई भी नहीं था। आप इस आदमी को पहचानते हो? नहीं सर, इससे पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा। देर में से चाकू मारा ऐसे, शायद बेचारे की मौत शॉक से हो गई होगी। लेकिन एक आदमी का पार्किंग लॉट में खून हो गया और किसी ने देखा भी नहीं। आप लोगों में से कोई तो पहचानता होगा इसे? जी नहीं, हमने तो पहले कभी इसे नहीं देखा। ध्यान से देखिए, इसका चेहरा देखिए और बताइए कोई जानता है इसे? नहीं नहीं, ये आदमी यहाँ का नहीं है, ये तो बाहर का लगता है। आपको कैसे मालूम? जी मैं इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ, यहाँ रहने वाले हर आदमी का चेहरा पहचानता हूँ मैं। ये देखिए सर, इस आदमी का नाम विक्रम है, इसका एड्रेस भी। और सर ये पैसे, इसके पर्स में पैसे तो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, इसका मतलब पैसे के लिए खून नहीं हुआ सर। सर, आताशा। सर ये ब्रेसलेट मिला है, इस पर खून भी लगा हुआ है। ओह, इस ब्रेसलेट को पहचानते हो? किसी ने देखा है इसे? नहीं नहीं देखा। हमने तो नहीं देखा। ध्यान से देखिए। जी नहीं देखा सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्रेसलेट इसका हो? जरा इसकी कलाई में बांध के तो देखो।
नहीं सर। नहीं? ओ, तो ये ब्रेसलेट खूनी का हो सकता है। खूनी और इस आदमी के बीच में हाथापाई हुई होगी और इसी चक्कर में ये ब्रेसलेट टूट के नीचे गिर गया। एक काम करते हैं, मैं इस आदमी को फोरेंसिक लैब लेकर जाता हूं, तुम विक्रम के घर जाके चेक करो। जी हम CID से। ये घर विक्रम का ही है ना? CID? विक्रम को कुछ हुआ है क्या? देखिए, हमें विक्रम का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। कहाँ से, कैसे, आप लोगों को कैसे मिला? वो विक्रम का खून हो गया। खून? जी, हम बैठ जाइए। अभी दो दिन पहले ही तो आए थे जेल से। जेल से? विक्रम जेल में था? बैंक लूटने के जुर्म में 3 साल से जेल में थे, परसों ही तो लौटे थे। मतलब जो बैंक लूटा गया था उसमें और भी लोग थे विक्रम के साथ? तीन लोग थे। कहीं ये उन लोगों ने तो नहीं कर दिया? हो सकता है, क्या वो तीन लोग भी जेल से छूट चुके हैं? मालूम नहीं, मगर जब से ये लौटे थे सुबह शाम कोई फोन आता था जिससे ये बहुत परेशान रहते थे। ये फोन करता कौन था, कुछ बताया आपको? नहीं, मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने टाल दिया। ये इस ब्रेसलेट को देखिए और बताइए कि आपने इसे पहले देखा है, पहचानती हैं आप इसे? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये एक बात बताइए, ये विक्रम कौन से जेल में था? जी हाँ, विक्रम यही था, एक बैंक रॉबरी के केस में, हमारे ही जेल में। अभी 3 दिन पहले ही छूटा वो यहाँ से। उसके साथ 3 और लोग थे, वो कहाँ हैं? वो तीनों अभी भी इसी जेल में हैं। जेल में? एक ही जुर्म के लिए 4ों को सजा हुई तो ये विक्रम अकेले कैसे छूट गया? कुछ दिनों पहले उन तीनों और विक्रम के बीच में झगड़ा हुआ था, शायद पैसों को लेके हुआ है। सूरज, केतन और सोहन ने मिलके विक्रम को बहुत मारा, इसलिए उन तीनों की सजा थोड़े और दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। ऐसे हम लोग मिल सकते हैं इनसे? जी जरूर, सेल नंबर 4 से केतन, सूरज और सोहन को लेकर आओ। जी साहब। केतन, सूरज और सोहन, ये CID वाले हैं, तुमसे विक्रम के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। विक्रम? हाँ, विक्रम के बारे में। उसका नाम मत लो साहब, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, समझे? विक्रम का खून हो गया है। खून? 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 हाँ खून। कुछ मालूम है किसने किया होगा? क्या मालूम, हमें तो कुछ नहीं मालूम। हाँ, हमें कैसे मालूम हो सकता है, हम लोग तो अंदर थे ना साहब। नहीं मालूम है? अरे नहीं साहब, हमें कहाँ से मालूम होगा, हम तो कब से यहाँ बंद पड़े है ना। हाँ हाँ, तुम लोग को कैसे मालूम होगा, तुम लोग तो दूध के धुले हुए हो है ना। हाँ सलूंखे साहब, क्या ठीक है, हम लोग आते हैं। सोनाली,
और उंगलियों के निशान लेने इस पर से? जितने थे उतने ले लिए। अब देखना ये है कि ये चाकू कितना अंदर तक घुसा हुआ है इसके। उसे ये भी आइडिया हो जाएगा कि जिसने ये चाकू मारा है उसके अंदर कितनी ताकत थी, उसकी हाइट क्या थी और उसका वजन क्या था। राइट। तारिका जी, क्या हुआ आपको? तारिका क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ क्या तारिका? आपने कुछ कहा है क्या? किसी से पूछो ना यार। तारिका जी, आपको हुआ क्या है? सिर में बहुत दर्द है, फटा जा रहा है सर। अरे तो कोई दवाई ले लेनी चाहिए थी आपको। डॉक्टर साहब, आप कोई दवाई नहीं दे सकते इनको? सालुंखे सर, उनके पास तो जो भी दवाई है सिर्फ मुर्दों के लिए है। सिर्फ मुर्दे ही ठीक हो सकते हैं उससे। मुर्दों की दवाई? सर लगता है आज कुछ होके रहेगा सर। निकल गया। तारिका जी संभालिए, संभालिए अपने आप को। बस ये चाकू करीब 6 इंच लंबा है, तो बहुत सस्ता सा चाकू है, मेड इन चाइना। और खूनी की हाइट 5 फुट 3 इंच के बराबर होगी। ऐसे? अच्छा, ये विक्रम चाकू लगने से मरा है या इसे कोई और चोट भी लगी है? नहीं नहीं अभिजीत, ये चाकू ही शरीर के आर पार हो गया, किसी और चीज से मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि इसे चाकू मारने से पहले किसी और चीज से तो नहीं मारा गया? नहीं दया, जो उंगलियों के निशान हमें इस चाकू पर मिले और उस ब्रेसलेट पर मिले वो दोनों एक ही इंसान। तो मतलब ब्रेसलेट खूनी का है और ब्रेसलेट पे वो जो खून लगा हुआ था वो दया। सर, डॉक्टर तारिका ने कोई गैस वगैरह तो नहीं सूंघ ली? मतलब लाफिंग गैस वगैरह? डॉक्टर सोनाली, आप क्या कह रही थी, वो खून जो ब्रेसलेट के ऊपर है वो किसका? मैं कह रही थी कि वो खून इसी का है, यानी कि विक्रम का। कोई और चीज बता सकते हैं जिससे हमें कुछ और मदद मिले? हाँ है ना, आई ये ब्रेसलेट देखिए अभिजीत। मैग्नीफाइंग ग्लास ले लीजिए। डॉक्टर तारिका, आपने कोई गैस सूंघ ली? लाफिंग गैस? देख रहे हैं यहाँ पर एक लोगो है कंपनी का। अब दिमाग में कुछ हुआ है क्या? डॉक्टर, कोई और बीमारी? डॉक्टर सालुंखे ने कहा लैब में हंसना मना, इसलिए उन्होंने कहा अगर कभी बहुत स्ट्रेस हो, बहुत टेंशन हो तो यहाँ पर इस कोने में दीवार की तरफ मुंह करके हंस सकते हैं। 65 सर, आपको भी टेंशन है ना सर? मौका अच्छा है सर, आप एक बार ट्राई करें, करेक्ट? यस। सर, दुकान के बारे में मैंने सुना है, ये मनोरा बाजार में एक बहुत ही नामचीन ज्वेलरी की शॉप है सर। लो,
इस हाथी को तो ढंग से हंसना भी नहीं। हेलो, हाँ मिल गया। कहाँ से? ओके सर, उस हाथी का पता, मेरा मतलब है पता चल गया सर, विक्रम के घर फोन कहाँ से आते थे? कहाँ से आते थे? एक पीसीओ से सर। उस ज्वेलरी शॉप में जाके पता कर सकते हैं उस V65 में कि ब्रेसलेट किसका है। करेक्ट। सचिन, ताचा, तुम लोग उस बिल्डिंग में दोबारा जाओ जहां विक्रम का खून हुआ है। एक एक आदमी से पूछताछ करो। फ्रेडी, विवेक, जाओ उस पीसीओ में, पता करो। हंसना बंद करो, काम करो। ये नहीं, कुछ और दिखाइए ना, समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ नई चीज। सर ये देखिए ना, ये प्रेशियस स्टोन से बना हुआ है सर। ये भी मेरी बीवी को ये कलर पसंद नहीं है। कुछ समथिंग न्यू सर, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाइए ना सर। तो फिर ये देखिए सर, ये सर 100% ओरिजिनल मोतियों का बना हुआ है सर। ये हर साड़ी और हर ड्रेस पर बहुत अच्छा लगेगा। ये आपकी बीवी को बहुत पसंद आएगा सर। तुम्हें कैसे मालूम? सर आप इतने हैंडसम हैं, तो आपकी पत्नी भी बहुत सुंदर होगी, तो ये उनको बहुत अच्छा लगेगा सर। पक्का पसंद आएगा? सर एकदम पक्का। ठीक है, तो डन कर देंगे। ये दोनों तो साथ में ही आ गए, इनको अपनी पत्नी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए सर। सर क्या दिखाऊं आपकी पत्नी के लिए? पत्नी? ये मेरी बीवी। मैडम ये देखिए, हमारे पास गोल्ड, डायमंड और सिल्वर, हर तरीके की ज्वेलरी। आपको कौन सी दिखाऊं मैडम? देखिए मैडम, ये देखिए हमारे पास गोल्ड का बहुत अच्छा नेकलेस है, एक बार आप ट्राई करके तो देखिए। ये देखिए भाई साहब। भाई साहब। अच्छा भाई साहब, ये वाला देखिए, ट्राई करके तो देखिए। जी हम लोग CID से। CID से? पति पत्नी दोनों CID से? नो पति नो पत्नी, सिर्फ CID। मैं इंस्पेक्टर दया और ये इंस्पेक्टर काजल है। ओह, मुझे लगा वैसे आप लोग यहाँ। एक खून हुआ है और उसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछना है। भाई साहब आप प्लीज। लेकिन तुमने भी इसका फाइनल किया था भाई साहब? नहीं सर, आप बाद में आइए, मैं आपको बाद में दे दूंगा। नहीं मुझे आप कर दीजिए, मैं अभी आपको पैसे। नहीं 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 भाई साहब, आप जाइए। कमाल करते हैं भाई साहब आप भी। आप इस ब्रेसलेट को पहचानते हैं? हाँ, ये तो हमारी दुकान का है। देखिए सर, इस पे मेरी दुकान का निशान भी लगा हुआ है। ये आपको कहाँ से मिला सर? लाश के पास से। लाश के पास से? हाँ, जिसने भी ये खरीदा है उसका नाम, नंबर, एड्रेस कुछ तो होगा आपके पास। हाँ है, उसने पेमेंट क्रेडिट कार्ड से की थी, मैं अभी लाकर देता हूँ। ये देखिए सर। डिस्काउंट फॉल से पता चल सकता है कि ब्रेसलेट किसने खरीदा था। थैंक्स। जी कहिए। मिस्टर अरुण यहाँ पे रहता है? जी मैं ही अरुण, बताइए क्या बात है। अच्छा, इस ब्रेसलेट को पहचानते हैं आप? इसे तो मैंने अपने बेटे राहुल को दिया था। राहुल को बुलाइए, अपने बेटे राहुल को। फिर आप इस तरह घर में कहाँ घुसे जा रहे हैं? अपने बेटे को बुलाइए पहले। राहुल से क्या काम है आपको? राहुल, आप ऐसे कैसे घुसे जा रहे हैं? राहुल, राहुल। बट मेरे बेटे राहुल ने किया क्या है? उसने खून किया है और ये ब्रेसलेट लाश के पास मिली हमें। जी ये आप क्या कह रहे हैं? आपसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो तो अच्छा, वो हम लोग पूछ लेंगे। बेटे को बुलाइए, चले। क्या हुआ? ये लोग कौन है? उस समय बाद में बताऊंगा, पहले राहुल को बुलाओ। लेकिन हुआ क्या है? हाँ प्लीज बुलाइए राहुल को। बुलाओ उसको। ठीक है। लीजिए ये है राहुल। ये देखिए, ये राहुल है। हाँ यही हमारा बेटा राहुल है। मैं कह रहा था ना आपसे, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई, मेरा बेटा खून कर ही नहीं सकता। राहुल बेटा, जरा इस ब्रेसलेट को गौर से देखो। ये ब्रेसलेट आपको कहाँ मिला?
बेटा पार्किंग लॉट में? पार्किंग लॉट में? हाँ राहुल, तुमसे कहीं खो गया था ब्रेसलेट अनजाने में? नहीं। फिर? ये ब्रेसलेट मैंने मेरी टीचर को दिया था, म्यूजिक टीचर। म्यूजिक टीचर? नाम क्या बेटा उसका? उसका नाम रीमा, रीमा मिस। बेटा आप हमें आपके म्यूजिक टीचर से मिलवा। हाँ प्लीज आओ बेटा। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए। हाँ। कल रात को पार्किंग लॉट में कुछ आपने ऐसा देखा जो कुछ अलग सा था, कुछ अजीब सा, ऐसा कुछ जो पहले कभी ना हुआ? नहीं ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया यहाँ। कुछ नहीं देखा आपने? नहीं। आपके आस पड़ोसियों ने देखा हो कल रात को झगड़ा होते हुए, या किसी ने देखा हो? आपने सुना उन लोगों को बातें करते हुए कि कल रात को झगड़ा हो रहा था या कुछ? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पे आसपास किसी को भागते हुए देखा आपने? नहीं सर किसी को नहीं देखा। याद करके बताइए कि कोई लंबा चौड़ा आदमी? नहीं मैंने किसी को नहीं देखा। देखिए कल रात को पार्किंग लॉट में आपने किसी को झगड़ा करते हुए देखा? जी नहीं। आवाजें तो सुनी होंगी ना झगड़े की, शोर शराबे की, चिल्लाते हुए किसी को सुना आपने? क्या होता सर कहीं कुछ पता चला? नहीं सर किसी को कुछ भी पता नहीं है। वो वॉचमैन से पूछते हैं। अरे भाई साहब सुनो जरा। हाँ जी साहब। ये बताओ कि कल रात को तुमने किसी को पार्किंग लॉट में भागते हुए या चीखते चिल्लाते हुए देखा क्या? हाँ मैंने एक आदमी को भागते हुए देखा था, वो कुछ जल्दी में था। किस तरफ भागा था वो? वो दूर जो सामने मकान है उस तरफ गया था वो। मैंने उसका पीछा भी किया लेकिन वो तब तक घर में जा चुका था। वो वहाँ सामने वाले मकान में? हाँ वो सामने वाला। ठीक है चलो वहाँ देखते। अच्छा गार्ड ने यही घर बताया था ना? यस। घर के मालिक को बुलाइए। कौन है आप लोग? कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ सीआईडी से। कौन कौन रहता है इस घर में? मैडम अकेली रहती है और वो इस वक्त घर पर नहीं है। क्या नाम है आपकी मैडम का? रीमा, पास के स्कूल में संगीत सिखाती है। ये आपकी रीमा मैडम? दो दिन पहले घर कितने बजे आई थी? उस दिन वो रात में बहुत देर से आई थी, करीब 12 बजे होगा। अच्छा वैसे वो ठीक ठाक तो थी ना? ठीक ठाक बोलो तो, वो बहुत डरी हुई थी, सीधे चुपचाप अपने कमरे में अंदर चली गई और उस दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। डरी हुई थी जी। तो आपने पूछा नहीं कि क्या हुआ? पूछा था पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर अचानक रात में वो चिल्लाने लगी, मैं भागकर उनके कमरे में गई तो उन्होंने कहा कि कमरे में कोई है। कौन था कमरे में? तुमने देखा उसे? मैंने चारों ओर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। फिर अचानक मेरी नजर खिड़की पर पड़ी, वहाँ खिड़की खुली थी और फूलदान नीचे गिरा हुआ था। ओह, फूलदान नीचे गिरा था। इसे देखिए ध्यान से, इस फोटो को देखिए और बताइए कि इस ब्रेसलेट को आप पहचानती हैं? ये ब्रेसलेट? अच्छा रीमा जी अब हम लोग चलते हैं। बाय। इसी टीचर को दिया था ना ब्रेसलेट? ये रीमा जी। हाँ सर। रीमा जी आपका खोया हुआ ब्रेसलेट मिला है हमें, तो देखिए आप इसे पहचानती है क्या? ब्रेसलेट? कौन सा ब्रेसलेट और आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मैं किसी ब्रेसलेट के बारे में नहीं जानती। अरे इतनी जल्दी भूल गई आप? ये वही ब्रेसलेट है जो आप लाश के पास भुलाई थी खून करके। खून? मैंने खून नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती। काजल इन्हें अपने साथ ले चलो, शायद इन्हें ब्यूरो में सब कुछ याद आ जाए। चलो आइए। चलिए। ये क्या कर रहा है? चलो मैं कुछ नहीं जानती, छोड़ दीजिए मुझे। कहाँ लेके जा रहे? मैं कुछ नहीं जानती, छोड़िए। हाँ बाबूजी। हाँ चिंटू अब दूसरी कक्षा में आ गया है। अरे भाई हाँ। लोकल कॉल कर रहा है। हाँ करो।
हेलो, हाँ सुनो, मैं गर्मियों की छुट्टी में आ जाऊंगा, ठीक है? टिकट का क्या है? अरे यार, देख नहीं रहे हो, फोन अभी बिजी है, थोड़ी देर में आना। हाँ हाँ, देखते हैं। अच्छा सुनो, मेरे सामने एक पहलवान खड़ा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, कितना होगा सर? एक रुपया। हाँ ये लो करो। हमें फोन नहीं करना है। अरे पीसीओ में फोन नहीं करना है? हम लोग सीआईडी से पूछताछ करनी है। सीआईडी से? क्या बात है साहब? देखिए भाई, दो तीन दिन पहले यहाँ से किसी ने फोन किया था। अरे दो तीन दिन पहले क्या साहब, यहाँ तो रोज बहुत सारे लोग फोन करते हैं। देखो भाई, ऐसा है, यहाँ पे कोई लगातार दो तीन दिनों से फोन करने आया है। दो तीन दिनों से? साहब मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। याद कैसे नहीं है, इसी पीसीओ से फोन किए गए समझे, पिछले दो तीन दिनों से, सुबह और शाम को। साहब सुबह और शाम? हाँ हाँ साहब, हाँ याद आया साहब। कौन था वो आदमी? वो आदमी नहीं था साहब, वो एक औरत है। औरत? हाँ साहब, एक औरत है जो रोज दो तीन दिन से लगातार सुबह और शाम फोन कर रही है यहाँ से। और कुछ याद है उस औरत के बारे में, पहचान सकते हो उसे? हाँ बिल्कुल पहचान सकता हूँ साहब। साहब वो बहुत परेशान सी लगती है साहब। हेलो, हाँ सर, सर इस पीसीओ से एक औरत फोन कर रही है सर। क्या? अच्छा, ओके सर, ओके सर, इस पीसीओ वाले ने उस औरत को देखा है सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके। सुनो, तुम्हें हमारे साथ ब्यूरो चलना होगा उस औरत को पहचानने के लिए, समझा? ठीक है साहब। सीए है मैडम रीमा। ये तो, हाँ पहले तो समझ में नहीं आया, कहीं हम लोगों से गलती तो नहीं हो गई? अब तो मैं पूछ ही सकती हूँ ना, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आपने विक्रम का नाम सुना है? कौन विक्रम? काजल, इनकी उंगलियों के निशान ले लो। पर क्यों? विक्रम का खून हो गया है। ये विक्रम कौन है? आइए। आपकी उंगलियों के निशान चाकू पे हैं। विक्रम का खून आपने ही किया है। मैंने किसी का खून नहीं किया। सब ये उस पीसीओ का मालिक। नमस्कार। तुम्हारे पीसीओ से जो फोन करता था वो एक औरत थी ना? जी हाँ साहब, औरत थी। चलो देखो, ये है वो। नहीं साहब, ये वो औरत नहीं है। जरा ध्यान से देखो और फिर बताओ। नहीं साहब, मैं उस औरत को देखूंगा तो जरूर पहचान लूंगा, ये वो औरत नहीं है साहब। देखिए, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं किसी का खून कर ही नहीं सकती क्योंकि मैं अंधी हूं, मैं देख नहीं सकती। मुझे लग ही रहा था। तुम जरा स्केच बनवाओ उसका, उस औरत का। ये सर, आइए। देखिए रीमा जी, आपका ब्रेसलेट हमें उस लाश के आसपास से मिला है, वो वहां पे कैसे पहुंचा? हाँ, उस रात को जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं पार्किंग की तरफ जा रही थी तो कोई भागकर मुझसे टकराया, मेरा पर्स और ब्रेसलेट वहीं आसपास कहीं गिर गया। जब मैं ढूंढ रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि वहाँ किसी की लाश पड़ी हुई थी और मेरा हाथ लाश पे लगी हुई चाकू पर लगा। मैं बहुत डर गई और मैं वहाँ से भाग गई। तो इसीलिए आपकी उंगलियों के निशान उस चाकू पे थे? हाँ। आप जब उस खूनी से टकराई थी तो आपको कुछ याद है? कुछ भी, जो कुछ भी आपने महसूस किया? हाँ, उसके जिस्म से अजीब सी बू आ रही थी। बू? कैसी? किस तरह की बू, कुछ बता सकती हैं आप? शायद
क्रीस की थी। क्रीस की। क्रीस? तो हो सकता है ये खूनी कोई मोटर मैकेनिक हो। ज्यादातर दिन रात यही लोग ग्रीस में हाथ डाले रखते हैं। मोटर मैकेनिक कोई औरत, ऐसा होता तो बहुत कम है। शायद किसी फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करती हो सकता है। देमा जी, आपकी आपकी बाई बता रही थी कि आपको लगा था कि आपके घर में कोई है। हाँ, मुझे लगा तो था, लेकिन वहां कोई नहीं था। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए। एंड वी आर वेरी सॉरी आपको जो परेशानी हुई। काजल, इनको घर तक छोड़ दो। यस सर, आइए। सब अजीब बात है। पीसी वाला बता रहा था कि वो औरत हमेशा सुबह और शाम को ही फोन किया करती थी। हो सकता है वो पीसीओ के आसपास किसी फैक्ट्री में काम करती होगी, और ये सुबह शाम उसके काम करने के शिफ्ट के टाइमिंग के हिसाब से। हो सकता है उस पीसीओ के आसपास जितने भी फैक्ट्रीज हैं वहां जाके पता कर सकते हैं, शायद उनमें से किसी में काम करती हो। सर, उस औरत का स्केच बन गया है। अच्छा, ये है वो औरत। ये स्केच लेके पता करो पीसीओ के आसपास की लड़की कौन है। अस्पताल से फोन था, माँ बहुत बीमार है, मैं जाऊँ? अच्छा, जरूर, एक मिनट। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। थैंक यू मिम्सा, शुक्रिया मिम्सा, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग काम करते हैं यहाँ पर, किसी ने भी पहचाना नहीं इस औरत का। बड़ी अजीब बात है। अजीब बात तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग कुछ गलत सोच रहे हैं क्या? ये वाकई में फैक्ट्री में काम ना करती हो और मोटर मैकेनिक हो? अजीत, अगर वो मोटर मैकेनिक है तो आसपास के बच्चे बच्चे उनको मालूम होना चाहिए था, मगर यहाँ तो कोई पहचानता नहीं उसे। ठीक है, आखिरी फैक्ट्री बचा है, यहाँ पे देख लेते। आखिरी है तो क्या हुआ, चांस तो है, देखते हैं। अरे सुनो, वो साहब एक मैनेजर कहाँ है? लोग सीआईडी से हैं। तो सीआईडी जी भाई, सीधा अंदर चले जाओ, वहीं पर है मैनेजर सामने। हाँ जी, ये मैनेजर साहब का है। कितनी बार कहा, आधे आधे घंटे बाद इसकी सफाई होनी चाहिए, अब करो ठीक से। मैनेजर साहब। यस, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? और फैक्ट्री के अंदर? आप जरा ये स्केच देखिए।
ये औरत आप क्या काम करती है? क्या हुआ सर, क्या किया इसने? एक खून हो गया है, उसी सिलसिले में हम इसे ढूंढ रहे हैं। ये? हाँ, ये पहचानते हैं इसे आप? हाँ, यही काम करती है, इसी फैक्ट्री में काम करती है। हा? नाम क्या है इसका? जी शांति। शांति? हाँ जी सर, ये मशीनों की साफ सफाई करती है सर। मतलब मशीन के ऊपर जो ग्रीस साफ करती है? हाँ जी सर। ओके, इसी वजह से उस औरत के शरीर से ग्रीस की स्मेल आ रही है। जरा इस शांति को बुलाओ जल्दी। लेकिन सर वो अभी इस वक्त फैक्ट्री में नहीं है सर। क्यों, कहाँ गई है? आधे दिन की छुट्टी लेके कहीं गई है सर। कहाँ कहाँ गई? पता नहीं सर, कुछ बता। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, बोलो। क्या 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 बात कर रही है? ठीक है ओके। उस पीसीओ वाले का फोन था, वो शांति अभी अभी उस पीसीओ से किसी को फोन कर रही है। किसको फोन कर रही होगी? क्या पता नहीं किसको फोन कर रही है। रीमा? रीमा? हाँ रीमा को ही फोन किया होगा उसने। मैं रीमा से बता देता हूँ। हेलो रीमा, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। आप घर पे ही हो? हाँ मैं तो घर पे ही हूँ। ओके, और आपकी मेट सुषमा कहाँ है? सुषमा, उसके घर से फोन आया था, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई तो वो हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में? आप अकेले हो? लेकिन बात क्या है? आप एक काम करो, सारी खिड़की दरवाजे वगैरह सब बंद कर दो, किसी को भी अंदर मत आने देना। लेकिन हेलो, कौन? लगता है कोई घर में आया। सुषमा तू वापस आ गई? हेलो तू वही हो ना जो सर उससे टकराई थी? हाँ, उसी रात की गलती सुधारने आई। बातचीत हो रही कुछ? हेलो हेलो, अंधी समझ के छोड़ दिया तू तो, गले ही पड़ गई। तेरी आवाज तो बंद करनी पड़ेगी, आज तो तुझे मरना ही होगा। तू समझती क्या है? हाँ चल मेरे साथ, चल मुझे दिखाती हो, चल चल। हेलो, चल सीधे चल। माय गॉड, लग रहा है ये शांति वहां हरिमा के घर में आ गई है, उसको लेके कहीं चली गई है। कहाँ लेके चली गई? क्या मालूम कहाँ चली गई, जब तक हम लोग पहुंचेंगे तब तक तो रीमा को लेकर न जाने कहाँ चली जाएगी। मैनेजर साहब, इस शांति के बारे में और क्या जानते हैं? सर ये अक्सर छुट्टी लेकर अपने पति से मिलने जेल जाया करती थी। जेल में? हाँ सर, एक बैंक रॉबरी के केस में उसे जेल हो गई थी। रॉबरी के केस में? क्या नाम क्या है पति का? केतन। केतन? केतन तो वही है ना जिसे बैंक रॉबरी के केस में विक्रम के साथ सजा हुई थी। हाँ यार, इस केतन से मिलना पड़ेगा, वही बताएगा कि ये शांति रीमा को लेके कहाँ गई है। गिले साहब, कहाँ है केतन? अरे आप लोग यहाँ फिर से, बात क्या है? पहले केतन को बुलाइए जल्दी। केतन को लेके आओ, बात क्या है मगर? जल्दी पता चल जाएगा। आप लोग? केतन, शांति कहाँ लेके गई रीमा को? शांति? कौन शांति? अजीत शांति वांती को नहीं जानता। ए, ये नाटक बंद करो तुम, हमें सब कुछ पता चल गया है। शांति तेरी बीवी है ना? हाँ। तो? तो तेरी बीवी शांति रीमा को कहाँ पे लेके गई? रीमा कौन है? कोई हीरोइन है क्या? अच्छा, तो सीधी तरह से बताता या तेरी सारी हीरोगिरी यहीं पे उतार दूँ? हाँ? सुनना चाहते हो ना? तो सुनो, रीमा की वजह से आज मेरी शांति मुसीबत में है, रीमा की वजह से, इसलिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अगर रीमा को कुछ हुआ या उसकी जान गई तो तेरी शांति भी नहीं बचेगी, समझा? तो मैं समझ लूंगा कि मेरी बीवी शांति अमर हो गई। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे सर, ये क्या कर रहे हैं सर? छोड़िए सर। बोल बोल, उसे नीचे उतारिए, बताता हूं। या फिर तू ऐसे ही जिंदगी में लटकता रहना चाहता है? बता। वो तो नीचे उतारिए पहले। पहले चोट खोल। मेरी बीवी शांति रीमा को लेके गोरेगांव की पहाड़ी पे गई होगी सर। चलो
अभिजीत को फोन कर जल्दी। जानती तक नहीं, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? जानती तक नहीं और मुझे फंसाने चली थी, सीआईडी की मदद करने चली थी तू? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कुछ करना पड़ेगा सर, जल्दी पहुंचना है। हाँ सर, सर यहाँ से लेफ्ट लेते हैं उस गली से, वहां से जल्दी पहुंचेंगे। मुझे लगा तू कमजोर है, पर तू तो सया नहीं निकली रे। देखो तुमने खून किया है, तुम नहीं बच पाओगे, वो लोग तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। अरे मौत तेरे सामने खड़ी है और तू बकबक किए जा रही है। मैं तो भूल ही गई तू अंधी है, तुझे कैसे दिखाई देगी मौत, कैसे दिखाई देगी। चल मैं तुझे मार ही देती, किसी को पता नहीं चलेगा। आई होप रीमा ठीक ठाक हो जब तक हम वहां पहुंचे। मुझे कहाँ लेके आए हो, मुझे जाने दो, कोई बचाओ। देख तो नहीं सकती, इस दुनिया को महसूस कर ले। प्लीज मुझे जाने दो। हमारे पहुंचने से पहले कुछ ना हो जाए उसे, जल्दी दे जल्दी। चल चिल्ला एक बार लास्ट, कैसे, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे जाने दो। मैं आगे से लेफ्ट लेता हूं। शांति, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। आगे नहीं आएगा कोई, मैं इसे फेंक दूंगी नीचे। सच में कहती हूँ, फेंक दूंगी। छोड़ दो उसे, तुम बच नहीं सकती। कोई आगे नहीं आएगा, मैं फेंक दूंगी इसे। देखो तुम्हारे लिए अच्छा है चुपचाप सरेंडर कर दो। सच में मैं फेंक दूंगी इसे, मैं इसे फेंक दूंगी, सच कहती हूँ। नहीं, तुम ठीक हो, हम लोग आ गए। बस शो खत्म, अब चलो तुम्हारे ससुराल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे सास ससुर नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। लोग है ना, चलिए। मैं कहीं नहीं आ रही, मैंने कह दिया ना। नहीं आएगी, नहीं नहीं आएगी, नहीं। तो फिर ये ले ससुराल की तरफ से तोहफा। विक्रम ने मेरे पति को धोखा दिया, उसी का बदला लिया हमने। विक्रम ने धोखा दिया? हाँ। कैसा धोखा? मेरे पति केतन और उसके दोस्त सूरज, सोन, विक्रम, इन्होंने मिलके बैग लूटा था। ओहो, ये चक्कर है, बैंक के लूटे हुए पैसों के लिए हुआ ये खून। हाँ, पकड़े जाने से पहले विक्रम ने सारा पैसा कहीं छुपा दिया। केतन और बाकी दोनों ने पैसे मांगे तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया। अकेला पैसा हजम करना चाहता था वो, इसीलिए जेल में उसने विक्रम को पीटा था। हाँ, विक्रम के बाहर निकलने पर मैंने उसे पैसे मांगे पर उसने साफ इनकार कर दिया। मैं और मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे सर, मैं क्या करती। मैंने और मेरे पति ने विक्रम का खून करने का प्लान बनाया और उसे पूरा भी किया, पर पता नहीं ये कहां से टपक पड़ी। विक्रम का खून करने के बाद जैसे मैं वहां से निकल ही रही थी तब रीमा मुझसे टकराई। मैं घबरा गई, कहीं ये मेरा भांडा तो नहीं फोड़ देगी। मैं जैसे ही उसका गला घोटने जा रही थी
उसी वक्त मुझे पता चला कि ये देख नहीं सकती। मुझे लगा ये हंदी मेरा क्या बिगाड़ लेगी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात तुम रीमा के घर भी गई थी ना उसे खत्म करने के लिए? हाँ, पर वहां उसकी मेड थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। खून कर देना किसी चीज का हल नहीं, इसके लिए बहुत लंबी सजा मिलेगी तुम्हें। अब कोई और रास्ता नहीं बचा, मरना तो तुझे पड़ेगा। मैं ऐसे कैसे कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। तुझे माफ कर देंगे तो हमारा क्या होगा? मैं दोबारा ऐसे गलती कभी नहीं करूंगा। गलती करो या ना करो, मरना तो तुम्हें पड़ेगा। इसकी वास्ती तो देखते हैं। क्यों लगा रहे? इधर तो छुपी छुपना पड़ेगा। चल, इधर छुप जाते हैं। पर मैंने सुनी थी एक बच्चे की आवाज इधर बाहर से सुनी होगी। अरे इस घर में लोग दिन में आने से डरते हैं, इतनी रात को आने की किसकी मत होगी।
कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। अंकल, हमें आपकी मदद चाहिए। क्यों? मम्मी डैडी ने पीटा है तुम लोगों को? नहीं अंकल। अंकल, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? अंकल, एक अंकल ने दूसरे अंकल को गोली मार दी। गोली मार दी? हाँ अंकल, आप उसे पकड़ के सजा देना, छोड़ना मत। कौन है वो लोग, तुम लोग जानते हो ने? नहीं, हम लोगों ने उनका चेहरा ठीक से नहीं देखा था, वहाँ पर बहुत अंधेरा था। और ये गोली किस जगह पे मारी है, कहाँ पे हुआ ऐसा? हमारे कॉलोनी में, हमारे घर के पास। चलो दिखाओ मुझे कहाँ पर है। हाँ, बैठो गाड़ी में। कहाँ थे बोलो? वो वाला कमरा है ना, उसी कमरे में मारा था उन्होंने उसे। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहाँ यहाँ जाओ, इस तरफ आ जाओ, खिला नहीं यहाँ से, ठीक है? अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे आवाज देना, घबराओ मत, मैं भी आता हूँ। तो नहीं किया ना मेरे साथ? हाँ? नहीं नहीं अंकल, हम आपके साथ मजाक क्यों करेंगे? वाकई में हम लोगों ने देखा था। तो फिर कहाँ गए? या तो कोई भी नहीं? मगर हम लोगों ने देखा था, एक अंकल के पास गन थी और जिस आदमी को वो मारना चाहता था वो बहुत डरा हुआ था और वो अंकल बहुत जोर जोर से रो रहे थे। ठीक है, मान लिया तुम लोग सच बोल रहे हो, तुम लोगों ने देखा उसको, उस आदमी को मारते हुए, मगर यहाँ पे तो कोई नामो निशान है नहीं खून का। अंकल हमारा यकीन कीजिए, हमने गोली चलने की भी आवाज सुनी थी, बहुत जोर से ठा करके। ठीक है, मैं बाद में आके देखूंगा, काफी रात हो गई, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, मैं छोड़ देता हूँ। भाभी भाभी घबराओ मत, ये जो आ जाएगा, पूरी कॉलोनी में तो देख लिया है, कहीं भी नहीं है, कहां से आ जाएगा? अच्छा होता मैं उसे अपने साथ ही ले आती,
तरीका होगा कि साल में होगा मेरा बच्चा? देखिए आप रोइए मत, रो क्यों नहीं है, विजू यहीं कहीं आसपास खेल रहा होगा। अरे तुम तो जानती हो ना कि विजू एक नंबर का शैतान है। और नहीं तो क्या, कोई नया मजाक सुझा होगा उसे, सोच रहा होगा घर वालों को थोड़ा परेशान कर लेता हूँ। हाँ पूरी कॉलोनी को पता है कि वो एक नंबर का शैतान है, और इस बार वो अकेला नहीं है, मीनू भी है उसके साथ। अमित, अमित विजू का लाए हो ना अपने साथ, बोलो विजू का है। उसे सब जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। तो वॉचमैन से पूछा, उसे जरूर पता होगा, उसने देखा होगा। वॉचमैन से भी पूछा लेकिन उसने भी उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। कमाल की बात है, विजू कॉलोनी में भी नहीं और किसी ने उसे बाहर जाते भी नहीं देखा। कहाँ गया होगा फिर? विजू कितने परेशान हो गए थे हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ के, कहाँ थे बेटा? घबराइए मत, मैं इंस्पेक्टर दया CID से हूँ। ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने एक खून होते हुए देखा था, तो ये मेरे पास आ गया मुझे बताने। खून कहाँ पर? यही इसी कॉलोनी में, जो घर बन पड़ा है उसी में। मैं वहां पर गया था मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके साथ वो बच्ची भी थी मीनू, मैं उसे अभी अभी घर छोड़ के आ रहा हूं। विजू ये क्या नया मजाक है, तुमने CID वालों को भी नहीं छोड़ा? क्या अब मतलब क्या आपका? सर मेरा बेटा थोड़ा शरारती है, इसने शायद आपके साथ कोई मजाक किया होगा। पापा ये मजाक नहीं है, मैंने खुद देखा था, दो अंकल मिलकर एक अंकल को मार रहे थे। सुना आप लोगों ने? विजू बेटा हर वक्त मजाक नहीं करते, बैड मैनर्स। सर वो घर तो कब से खाली पड़ा है, कोई इसके आसपास भी नहीं जाता। मगर मैंने और मैंने खुद देखा था वहां पर कौन होते हुए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। विजू इनफ, बस प्लीज आप इसे कुछ मत बोलिए। वैसे उस घर का मालिक कौन है? जी मालिक का तो पता नहीं, लेकिन वहाँ एक बूढ़े आदमी रहते थे, अचानक कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। सर उस घर का कोई वारिस नहीं, इसीलिए हमारी कॉलोनी की कमेटी ने डिसाइड किया है कि उस घर को हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए। ये अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वैसे भी अगर घर बंद हो तो गुंडे मवालियों का अड्डा बन सकता है। जी बेटा मैं चलता हूँ, ओके? अपनी मम्मी को परेशान मत करना, और हमेशा अच्छे बच्चे की तरह अपने माँ बाप की बात मानते हैं, ठीक है? गुड नाइट। थैंक यू सर। घर काफी समय से बंद पड़ा है, अच्छे खासे घर को खंडहर बना के रखा हुआ है, गुंडे मवालियों के लिए छुपने का अड्डा बना के रखा हुआ है। रात को बच्चे यहाँ पे करने क्या आए होंगे? अभी जो बच्चे यहाँ पास ही के कॉलोनी के हैं, और तुम्हें तो आजकल के बच्चे मालूम है, जहाँ पे कोई नहीं जाता वहां पे जाके एडवेंचर करना होता है, उसी चक्कर में आ गए होंगे यहाँ पे। ये बात इन बच्चों ने खून होते हुए देखा है क्या? मैंने उन बच्चों के चेहरे पे डर देखा है, उससे तो ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है यहाँ पे, कहीं खून दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर देखते हैं। मम्मी मैं बाहर खेलने जाऊं? नहीं डैडी ने मना किया है बाहर जाने के लिए, घर में ही खेलो। मम्मी मैं डैडी के वापस आने से पहले ही आ जाऊंगा। विजू तुमको एक बार मना किया है ना, खेलना है तो घर में खेलो। दया बच्चे सच बोल रहे हैं, यहाँ खून लगा हुआ पत्ते में। जब बच्चे सच बोल रहे हैं तो फिर लाश कहाँ गई? उसको वो लोग यहाँ से ले गए। एक मिनट एक मिनट, ये देखो ये खून का निशान, यहाँ से घसीट के ले गए वो लोग। Hmm.
कार के टायर के निशान। शायद उसने लाश को यहाँ से घसीट के यहाँ तक लाया और गाड़ी में डाल के ले गया। झटके से उठाई गई ये गाड़ी, ये देखो बहुत जल्दी में होंगे वो लोग, क्योंकि देखो टायर के जलने का निशान है यहाँ पे। अभिजीत, ये दो टायर मार्क्स के बीच में जो दूरी है काफी ज्यादा है, ये कोई बड़ी कार होगी, कोई एसयूवी, और ये निशान आगे खत्म है, बस यहीं तक है। अभिजीत, उन बच्चों ने कहा था कि 7 और 10 बजे के बीच में उन्होंने खून होते हुए देखा है। 7 और 10 के बीच, तो उस टाइम वॉचमैन ने किसी बड़ी गाड़ी को यहाँ पे आते जाते तो देखा ही होगा ना। उसे पूछते हैं। मम्मी, मुझे घर पर नहीं खेलना, मुझे बाहर जाकर खेलना है। तुमको एक बार में समझ में नहीं आता, तुम्हें घर में खेलना है तो खेलो, वरना चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। नमस्ते भाभी जी। अरे आइए भाई साहब। कैसे हैं? जी ठीक हूँ। कहिए कैसे आना हुआ? बस इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। तो भाई साहब नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए क्या? जी ऑफिस गए हैं। अच्छा अच्छा। पर वो आपका बेटा? हाँ जी, वो तो यहीं खेल रहा था। अरे वहां क्यों छुपे हो बिजू? चलो बाहर निकलो, रमेश अंकल आए, हेलो करो, बाहर निकलो, आओ, चलो अंकल को हेलो करो। अरे चलो हेलो करो, देखो रमेश अंकल हैं। हेलो बेटा। क्या बात है बेटा, मुंह क्यों छुपा रहे हो? हेलो करो, देखो रमेश अंकल हैं। अरे बिजू, माफ कीजिएगा, ये आजकल के बच्चे बड़े ही शैतान हो गए। कोई बात नहीं, उम्र है इनकी, अब ये नहीं करेंगे शैतानी तो कौन करेगा। चलता हूँ जी। नमस्ते। हम कैसे मान लें कि तुम कल रात ड्यूटी पे नहीं थे? सर मैं कह रहा हूँ ना सर, मेरी ड्यूटी रात में नहीं थी, मैं तो सुबह के शिफ्ट में काम करता हूँ सर। तुम नहीं थे तो फिर कौन था ड्यूटी पे कल रात? मोहन ड्यूटी पे था सर। बुलाओ जरा उसे। सर वो तो अंदर सो रहा होगा। जगाओ उसको, खून का मामला है, पूछताछ करनी जरूरी है, समझे? ठीक है सर। हेलो मोहन, श्याम बोल रहा हूँ, सीआईडी वाले हैं पूछताछ करने के लिए। मैंने कुछ नहीं बोला, तुम जल्दी आओ। हाँ सर, वो आ रहा है, आने दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात भी ऐसे ही सो रहा हो और गाड़ी निकल गई यहाँ से? है वही हुआ होगा, उसके नाक के नीचे से लाश निकल गई और उसे पता भी नहीं चला होगा। रमेश अंकल एकदम ऐसे कर रहे हैं जैसे कर रहा था उस घर में अपना पैर घिस रहे थे उस आदमी को मारने के बाद। रमेश अंकल कौन है? वो मुझे भी मार देंगे। बिजू कहाँ छुपे हो तुम? बच्चे घर में कोई मेहमान आता है तो ऐसे बिहेव थोड़ी ना करते हैं। चलो जल्दी बाहर आओ, कहाँ छुपे हो? मम्मी, मम्मी। चलो बाहर आओ। ये सब क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मम्मी रमेश अंकल गए क्या? स्टॉप इट बिजू, ये सब क्या है? अरे मम्मी मैं डर की वजह से अंदर छुपा था। मम्मी आप भी छुप जाओ। जस्ट स्टॉप इट बिजू, यही सिखाया मैंने तुम्हें, तुम मेहमानों के साथ ऐसे बिहेव करोगे? अरे मम्मी रमेश अंकल ठीक आदमी नहीं है, पहले उनको इस घर से बाहर निकालो, नहीं तो वो आपको भी मार देंगे मम्मी। इनफ, बहुत हो चुका है बिजू, नाउ जस्ट स्टॉप इट। अरे मम्मी कल मैंने देखा था रमेश भैया एक आदमी को गोली मार रहे थे। इनफ, बहुत हो गया बिजू, नाउ स्टॉप मेकिंग स्टोरीज। शंकर को खून करते हुए मम्मी मेरे बात का यकीन करो, वो एक दूसरे आदमी को मार रहे थे। तुम सच कह रहे हो? कोई शैतानी तो नहीं कर रहे ना बच्चे? अरे मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, इसलिए तो कल मैंने दया अंकल को बोला कि
बिल्कुल फिक्र मत करो, अगर तुम सच कह रहे हो ना तो उसे पुलिस से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है? मम्मी मुझे बचा लेना, वो बहुत खतरनाक अंकल है। नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या हुआ साहब, मुझे क्यों बुलाया? रात को ड्यूटी पे तो सोते ही हो, दिन में भी सोते हो क्या? नहीं नहीं साहब, 10 साल हो गए ये काम करते हुए, मैं ड्यूटी पे कभी नहीं सोता साहब। अच्छा, कल रात यहाँ पे कितनी गाड़ियां आई और कितनी बाहर गई? एक मिनट सर, मैं चेक करके बताता हूँ। देखिए सर, ये 5 गाड़ियां अंदर आई हैं और कोई भी गाड़ी बाहर नहीं गई साहब। कोई भी गाड़ी बाहर नहीं गई? जी नहीं। तुम उस वक्त कहीं इधर उधर तो नहीं गए थे? हाँ साहब, मैं अगर कहीं जाता भी हूँ तो मैं गेट पे ताला लगा के जाता हूँ साहब। ये गाड़ियाँ किसकी थी? साहब सोसाइटी की होगी, बाहर के गाड़ियों को अंदर आना अलाउ नहीं है साहब। इसका मतलब लाश उसी गाड़ी में होगी और वो गाड़ी अभी भी कॉलोनी में ही है। तो खूनी सोसाइटी का कोई आदमी हो सकता है? या सोसाइटी में किन किन लोगों के पास बड़ी गाड़ियाँ? सर आप सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात कर लीजिए सर। ठीक है, कहाँ है सेक्रेटरी? साहब ये रहा उनका घर, सेक्रेटरी साहब का। और ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी भी उन्हीं की है साहब। बड़ी गाड़ी है। ये ना या कहीं बाहर गए? घर पे ही होंगे साहब, क्योंकि अगर बाहर गए होते तो शाम बता देता, वो ड्यूटी पे ही है। तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? मैं ये तो पता नहीं साहब। अच्छा, वो अकेले रहते हैं यहाँ पे या कोई सगे वाले भी हैं उनके? हाँ साहब, उनकी बीवी रहती है मगर वो अभी यहाँ नहीं है, कहीं बाहर गई है। कार यहाँ खड़ी है, इसका मतलब कहीं बाहर तो नहीं गए होंगे? तो चल के देखते। हो सकता है सर कहीं यहाँ कॉलोनी में गए होंगे आसपास, सब जानते हैं वो क्या होता रहता है यहाँ पे। तो बंद है, इसे बाद में देखते हैं, पहले इसका घर चेक करते हैं। चलो साहब। साहब दरवाजा तोड़ोगे? हाँ क्यों? साहब साहब मेरी नौकरी चली जाएगी। चुप रहो, कुछ नहीं होगा नौकरी को तुम्हारी। रेडी, सबको लेके यहाँ पे आ जाओ। अच्छी तरीके से देखो पूरे घर को। कुछ भी नहीं, लाश होनी तो यही चाहिए। देखते हैं। यहाँ पे खून है, सर हटाओ इसे।
ये देखो। हटाओ इसे जरा। वॉचमैन, ये है तुम्हारे सेक्रेटरी साहब? नहीं साहब, ये सेक्रेटरी नहीं है, कोई और आदमी है। तो फिर कौन है ये? पता नहीं साहब कौन है। अरे जरा ध्यान से देखो, हाँ शायद ये आदमी इस कॉलोनी में रहता होगा। देखो। नहीं साहब, ये इस कॉलोनी में नहीं रहता है। अभी तो पत्रकार है, ये देखो प्रेस का कार्ड, जितेन सीनियर जर्नलिस्ट। सीनियर जर्नलिस्ट? इस सेक्रेटरी की इस पत्रकार से क्या दुश्मनी हो सकती है? इस सेक्रेटरी को ढूंढते हैं, वही बताएगा। विजु ने खून होते हुए देखा है, वो पहचान सकते हैं जिसका खून होते हुए उसने देखा था वो पत्रकार जतिन है या कोई और? अभिजीत, ये भी जो बच्चा है, अभिजीत बच्चे को लाश दिखाना ठीक होगा क्या? हाँ ये बात तो है, पर क्या करें, कौन पहचानेगा खून किसका हुआ है? अब बेल दबाओ सर। मुहूर्त निकालोगे क्या? दबाओ। सर आज संडे है, बिजू भी घर पे ही होगा। दरवाजा तो कोई खोल ही नहीं रहा है। ये लोग कहीं बाहर घूमने तो नहीं गए? आसपास वालों से पता करते हैं, शायद किसी ने देखा। अरे सुनो भाई साहब। हाँ बोलिए भाई। आप यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहता हूँ, सामने ही। तब तो ठीक है। ये विजू और उसके घर वाले कहीं बाहर गए हैं, कुछ मालूम है आपको? बाहर जाते हुए देखा उन्हें? कहाँ गए हैं मतलब? अभी तो यहीं थे, रमेश आया था मिलने। रमेश? सेक्रेटरी रमेश? हाँ साहब वही, मैंने खुद देखा था। रमेश अभी भी अंदर है? दया मामला गड़बड़ है। विजो, विजो तू है घर में? विजो क्या बात है सर? हमारे सेक्रेटरी रमेश साहब कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। एक खून कर चुका है वो। खून सर? हाँ कहीं कुछ हो ना गया होगा, इन लोगों की जान खतरे में, ढूंढो उसे। पीछे गया अभिजीत, आ गए? ये देखो, ये कौन है? जरा अंदर आना, इधर आओ। जी साहब। इस आदमी को पहचानते हो आप? ये हमारे सेक्रेटरी रमेश है। ये रमेश है? जी साहब। इसको ढूंढ रहे थे, यही मरा पड़ा हुआ है। दूसरों का खून करने वाला खुद मरा पड़ा है सर, ये तो उल्टा ही हो गया। सीधे सिर पे गोली मारी है, पॉइंट ब्लैंक। गन पाउडर भी लगा हुआ है, जगह पे ही मर गया होगा ये तो। अरे ये गन तो यही है। बारूद की बू तो आ रही है, गोली चली है इस गन में से, लेकिन विजू और उसकी मम्मी कहाँ है? सेक्रेटरी की लाश तो यहीं पड़ी है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी कोई और ही हो, रमेश को मार के विजू और उसके माँ बाप को जबरदस्ती ले गया? दरवाजा क्यों खुला यार? विजू, दामिनी, विजू,
कहाँ गए ये सब लोग? शायद ऊपर होंगे, देखते हैं। चलिए ये सेक्रेटरी की लाश मेरे घर में? सर इन्हें किसने मारा? वही तो हम लोग भी पता लगा रहे हैं। लेकिन सर मेरी बीवी और मेरा बच्चा कहाँ है? देखिए आपके घर में सेक्रेटरी की लाश पड़ी है, आपके बीवी बच्चे गायब हैं। आप लोगों को कुछ अंदाजा यहाँ क्या हुआ होगा? सर इसके बारे में हम आपको बता नहीं सकते। मैं बाहर गया हुआ था, मेरे भाई साहब अभी घर पे हैं और मेरी पत्नी रश्मि सर वो भी गायब है सर। देखिए जिस किसी ने भी ऐसा किया है वो कोई जान पहचान का ही आदमी होगा। जान पहचान का आदमी सर? हाँ, क्योंकि अगर कोई अनजान आदमी होता तो वो लोग चीखते चिल्लाते, लोगों को पता चलता, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मगर सर इस रमेश को मारा किसने होगा? अब वो तो ये गनी बताएगी। अभिजीत बॉस ये दोनों खून इसी गन से हुए। इस रमेश को जो गोली लगी है वो भी इसी गन से चली है और जितेंद्र को जो गोली लगी है वो भी इसी गन से चली। गन पे उंगलियों के निशान? हाँ है। किसके? रमेश के। रमेश के? सिर्फ रमेश के? जी सिर्फ रमेश के। मतलब दोनों गोलियां इस रमेश ने चलाई? जी। इसका मतलब ये हुआ कि रमेश ने पहले जितेंद्र को मारा और फिर उसने अपने आप को गोली मार ली। फिंगरप्रिंट्स देखकर कुछ ऐसा ही लगता है। रमेश ने जितेंद्र को गोली मारी होगी ये तो समझ में आ रहा है, पर रमेश ने अपने आप को गोली क्यों मारी? क्या है अभिजीत कि खूनी तो अपना काम करके निकल लेता है और हम ये सोचते रहते हैं कि खूनी ने शायद ऐसा किया होगा या वैसा किया होगा या। अरे नहीं डॉक्टर साहब, कोई ना कोई कारण तो होगा ना, अपने आप को गोली क्यों मारी उसने? यार गोली पर थोड़ी लिखा क्या कारण है। हाँ लेकिन अभिजीत एक और बात ऐसी है जिससे आपको कुछ मदद मिल सके। बड़ी अच्छी बात है, भागते चोर की लंगोटी सही। लंगोटी नहीं है तो क्या लंगोटा है? अरे क्या बात है यार रेडी। हाँ तुम जब भी बोलते हो ना तुम्हारे मुंह से फूल झड़ते हैं। जिस उंगली से ट्रिगर दबाई जाती है ये देखिए, उंगली पर अंदर की तरफ ठीक जोड़ पर एक कटे का निशान है। लेकिन ये उंगली पे कटे हुए का निशान आया कहां से? क्योंकि ट्रिगर दबाने से इस तरह का निशान नहीं आता। आ सकता है, उंगली कट भी सकती है। अगर 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 इस उंगली के ऊपर किसी दूसरी उंगली को जबरदस्ती रख दिया जाए और फिर ट्रिगर दबाया जाए। फिर जरा ये गन लो, अपनी कनपट्टी पे लगाओ। लगा। डॉक्टर साहब। हाँ। गोली वोली तो नहीं है ना इसमें? रेडी अभी तक तो नहीं थी, अब आ गई हो तो पता नहीं। सर अब विवेक को बोलो। गन लगाओ। अरे लगा। मैंने क्या बिगाड़ा है? गन लगा। मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा। छपरा तो ऐसा हुआ होगा जी। अरे खूनी ने पहले रमेश को मारा और फिर
विजू और इसकी माँ को किडनैप करके लेकर गया। तो यह मुझे शक है कि जिस आदमी के साथ मिलकर रमेश ने जितेन को मारा है उसी ने रमेश को मारा होगा। अभिजीत, विजू और उसकी माँ की जान को खतरा हो सकता है। अगर हमने जल्दी नहीं ढूंढा इस खूनी को तो दोनों मारे जाएंगे। सर, हो सकता है उस आदमी के बारे में जितेन के घर वालों से कुछ पता चल जाए। लगता है हम लोग गलत पते पे आ गए। लेकिन फ्रेडी, वो जर्नलिस्ट के विजिटिंग कार्ड पे तो यहीं का एड्रेस दिया हुआ था। एड्रेस तो यहीं का था सर, लेकिन घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई तूफान आया था या फिर युद्ध हुआ है। हाँ सर, और घर के बाहर तो कोई ताला भी नहीं लगा था। और यहाँ पे आग लगी और बाहर किसी को पता भी नहीं चला। इसका मतलब यह है कि यह आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है, यानी कि कंट्रोल्ड फायर। और सर, इतने सारे जले हुए पेपर्स देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि इन पेपर्स की वजह से ही जितेन का खून हुआ है। हाँ काजल, काजल तुम एक काम करो, आस पड़ोस में जाके पूछो कि शायद उन्होंने कुछ देखा हो या सुना हो। देखो yes. हम लोग एक एक पेपर छान मारते हैं। जितेन की पड़ोसन है नताशा। अरे ये क्या हो गया यहाँ पे? देखिए यहाँ पे आग लगी, आपने कुछ देखा है? उस दिन मैंने देखा था, इस घर की खिड़की में से धुआं निकल रहा था, मुझे लगा पता नहीं जितेन क्या कर रहा है। तो आपने यहाँ पे आके जितेन से पूछा नहीं? नहीं। और कुछ देखा आपने? उस दिन मैंने इस घर से दूर एक सफेद गाड़ी में एक औरत को बैठे हुए देखा था। सफेद गाड़ी? अगर वो औरत आपके सामने आएगी तो आप उसे पहचान लेंगी? जी हाँ। हो सकता है उसी औरत ने इस घर में आग लगाई, पर क्यों? क्यों? देखो भाई साहब, अब तो हम ये मैटर छाप के ही रहेंगे, दम है तो रोक लो। भाई साहब, मैडम एक मिनट। क्या है, कौन है ये लोग? सर, ये लोग आपसे मिलने आए। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है किसी को भी अंदर लेकर के घुसाते हो? अरे पूछ तो लिया करो कि मैं मिलना चाहता हूँ या नहीं मिलना चाहता हूँ। देखिए, आप अगर हमसे नहीं भी मिलना चाहते ना तो हम मिलने आते। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। क्या बात है भाई साहब, आप लोगों को कोई स्टोरी छपवानी है? ये बताइए कि जितेन कहाँ है? अरे मैं तो उसे खुद ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया। आपको बताए तो आप ही बता दीजिए। हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, किसी ने खून कर दिया है उसका। खून कर दिया? इतने भले आदमी का खून किसने किया? मुझे पता था उसके साथ एक नए दिन ये होना ही था। लेकिन क्यों? वो एक ऐसी खबर छापने वाला था जिससे उसके जान को खतरा था। कैसी खबर? एक बिल्डर और सोसाइटी के सेक्रेटरी के बीच में जमीन को लेकर एक डील होने वाली थी। जमीन की डील? जी हाँ, सोसाइटी का सेक्रेटरी वहां के लोगों से जोर जबरदस्ती करके फ्लैट खाली करवा रहा था ताकि वो बिल्डर उस जमीन पर मॉल खड़ा कर सके। तो इसका मतलब वो लोगों को वहां से बेघर करना चाहता था। जी हाँ, जितेन ने उस डील के कुछ फोटोग्राफ भी मुझे दिए थे। जितेन ने किसी औरत के बारे में कोई जिक्र किया दो चार दिनों में? नहीं तो। अच्छा, वो फोटोज मिल सकती हैं हमें? हाँ मिल सकती है। थैंक्स। ये फोटो देखो, सेक्रेटरी रमेश पैसे ले रहा है, सोसाइटी के देखभाल के लिए रखा गया था, पैसे खा रहा है। ये सारा चक्कर इन फोटोग्राफ्स की वजह से ही हुआ है। ये पैसे देने वाला कोई बिल्डर लगता है, शायद जितेन का खून इन फोटोग्राफ्स की वजह से ही हुआ होगा। ये फोटो देखो, इसमें ये आदमी है और ये औरत। औरत की शक्ल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आदमी तो वही है जो ये पैसे दे रहा है। और सर, ये
ये गाड़ी दोनों फोटोज में है सर। ये देखिए, इस गाड़ी के नंबर से हम पता लगा सकते हैं ये गाड़ी है किसकी। करेक्ट। विवेक जरा स्कैन करो, नंबर पे जूम करो, देखो क्या नंबर है। नंबर है 21XQWO950। सचिन आरटीओ से पता करो ये कार किसके नाम पे है। दोनों फोटो में ये गाड़ी है, दोनों फोटो में ये आदमी है, मगर ये औरत कौन है सर? पता चल गया सचिन, ये गाड़ी किसी डॉक्टर रश्मि के नाम की और उसका एड्रेस है सी व्यू सोसाइटी पानीपुत्र रोड। सीवी सोसाइटी, तो विजू भी तो वहीं रहता है ना। हाँ? और रश्मि, रश्मि उसकी आंटी का नाम है, तो वही तो नहीं है। हो सकता है रश्मि ने रमेश का खून किया हो और विजू और उसकी मम्मी को किडनैप करके ले गई है। मगर कहाँ ले गई होगी? हो सकता है इस जगह पे ले गया हूँ जहाँ पे फोटो खींची गई। फोटो में तो जगह काफी सुनसान लगती है बस। ये जगह जो है कुछ देखी हुई लग रही है मुझे। वहीं चल के देखते हैं, शायद तीर निशाने पे लग जाए। सर मेरी पत्नी और बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी ढूंढने की उनको। आप यहीं पे रुकिए, आगे कुछ भी हो सकता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आइंदा से माफ कभी नहीं करूंगा जिंदगी में, कभी नहीं। दया ये क्या पिला दिया तुमने इसे, ये तो सुधर गया, पाप पुण्य की बातें कर रहा है। अब थोड़ा पुण्य और भी कर दो और ये बताओ कि क्यों किया ये सब। सर मैंने और सेक्रेटरी रमेश ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि हम दोनों जोर जबरदस्ती करके कॉलोनी के एक एक घर को खाली कर देंगे और फिर किसी बिल्डर को उसे अच्छे दामों में बेच देंगे। तो ये प्लान, लोगों को बेघर करने का प्लान, हाँ? फिर क्या हुआ? फिर सर, न जाने उस पत्रकार को कहां से हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। जीतेन को? जी सर, वो हमारे सारे काले कारनामे जान चुका था। उसके पास हमारी तस्वीरें भी थी जिसमें हम बिल्डर से पैसा ले रहे थे। और इसीलिए तुमने पत्रकार को मार दिया,
मगर अफसोस विजू ने तुम्हें उसका खून करते हुए देख लिया। जी सर। वो सोसाइटी के सेक्रेटरी तुम्हारे पार्टनर रमेश, उसको क्यों मारा? सर, जब हमने जितेंद्र का खून किया तब हमें शक हो गया था कि किसी बच्चे ने हमें देख लिया है, लेकिन वो बच्चा कौन था हम नहीं जानते थे। लेकिन सर, उस दिन जब मैं घर आया, मैंने विजू को आपके साथ देखा और तभी पता चला कि वो बच्चा जिसने तुम्हें खून करते हुए देख लिया तो वो विजू है। जी सर, लेकिन जब वो सेक्रेटरी को ये बात पता चली तो उसने जरा भी आवाज निकाली तो चार से मारता हुआ था जैसा उस रिपोर्टर को मारा था। हम तो तुम्हें वैसे नहीं समझते थे। अगर मैंने अपने बच्चे की बात मान ली होती तो तुम जेल में होते। तो इसमें मेरी गलती है और तू मुझे जेल में पहुंचाएगी? तू? अरे उन दोनों को तो मैं अभी ऊपर पहुंचाऊंगा। ना रहेगा पास और ना बजेगी बांसुरी। ना तुम दोनों जिंदा रहोगे ना मुझे पकड़े जाने का डर रहेगा। रमेश, ये क्या कर रहे हो? बंदूक नीचे रख, बंदूक नीचे रख। रेस तो भेजने मत आ, मुझे आज रोज रोज के डर को जड़ से खत्म कर देने दे। पागल हो गया तू? मैं संभालूंगा। गिरीस तू हट जा। अरे ये तेरा विजू हमें फांसी के फंदे पे पहुंचा के रहेगा। उस दिन इसी ने हमें जीतन को मारते हुए देखा था। हट जा तू। पागल मत कर, मैं थोड़ा ना कुछ कर लूंगा। पागल है, चुप। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं। गिरीश, इससे मिले नहीं। चुप, मुंह बंद रखो अपना, वरना जैसे कुत्ते को मारा ना वैसे तुम्हें भी मार दूंगा। जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं होता तब तक कोई किसी ने कुछ नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं। बेवकूफ, सीआईडी को तब बताएगी जब तू यहाँ पे रहेगी। अब चुप चुप और चल मेरे साथ। और जब हमने इसे सीआईडी को बताने के लिए कहा तो ये जबरदस्ती किडनैप करके हमें यहाँ ले आया। तुम्हें अपना पति कहने में मुझे शर्म आ रही। अपनी पत्नी को भी नहीं बख्शा तुमने। मुझे माफ कर दो, आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको मारना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता था कि आप लोग खामोश रहे ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए। दो दो खून किए तुमने, अब जेल में बैठ के बंगले बेचते रहना फांसी का ऑर्डर आने तक।